बजरंग बली की शाबाश। जब आप वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। जली ना तेरी भी जली ना। तो कर्नाटक चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी लोग एग्जिट पोल्स पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। इस बार के एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री जी को हारता हुआ दिखाया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी का कर्नाटक चुनाव के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक की जनता से बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के दिन ही कांग्रेसियों ने वोटिंग से पहले सिलेंडर को प्रणाम कर वोट डालने का वीडियो भी जारी किया था। फिलहाल प्रधानमंत्री जी की कोई भी तरकीब इस बार काम नहीं आई। सभी एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री जी की करारी हार दिखाई जा रही है। कर्नाटक एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 79 से 94 के बीच दिखाया गया है और कांग्रेस को यहाँ पर 103 से 118 और अन्य के लिए 25 से 33 यहाँ पे दिखाया गया है। एबीपी सी वोटर कर्नाटक एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए 83 से 95 के बीच दिखाया जा रहा है। 100 से 112 यहाँ पे कांग्रेस, 21 से 29 अन्य के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। TV9 भारतवर्ष कर्नाटक एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी के लिए 88 से 98 और कांग्रेस के लिए 99 से 109 के बीच दिखाया जा रहा है। 21 से 26 अन्य के लिए दिखाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत कर्नाटक एग्जिट पोल की बात करें तो 85 से 100 के बीच में बीजेपी को दिखाया जा रहा है और कांग्रेस के लिए 94 से 108, 24 से 32 अन्य के लिए दिखाया जा रहा है। आज तक कर्नाटक एग्जिट पोल की बात करें 62 से 80 के बीच में बीजेपी को दिखाया जा रहा है, 122 से 140 के बीच में कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, 20 से 25 अन्य के लिए दिखाया जा रहा है। कर्नाटक में मोदी के लिए ये इस बार की जबरदस्त हार होने वाली है और इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ बोलिए, मैं झूठ बोलूंगा, तुम उसे सत्य मान लेना। ह्यूमन बीइंग नामक एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि भाजपा ने राम को छोड़कर हनुमान बन दांव लगाया है। अब देखना यह है कि ईवीएम माता आशीर्वाद देती हैं या श्राप देती हैं। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि बजरंग बली अपने काम की जय बोलो प्रचार मंत्री। सुरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि बजरंग बली भाजपा को जान गए हैं, इस बार भाजपा के झूठे नारे काम नहीं कर सकते हैं, बजरंग बली की जय। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।